तस्वीर में दिख रहे इस युवक का नाम है अजीत। अजीत अब इस दुनिया में नहीं है। इसने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जी हाँ, इसने खुद को गोली मार ली जिससे इसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले ये एक और कत्ल करना चाहता था, श्वेता नाम की उस लड़की का कत्ल जिससे ये एक तरफा प्यार करता था। लेकिन जांग में गोली लगने की वजह से लड़की की जान तो बच गई, लेकिन वो घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। थाना इगलास के तहत आत्महत्या की सूचना पर संबंधित अधिकारी द्वारा मौका मुआयना किया गया है तथा फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए हैं। साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की गई है। मौके पर बूढ़ शांति है। संबंधित महिला के पांव में चोट है तथा वह खतरे से बाहर है। गोलीकांड को लेकर दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। पहली ये कि एक तरफा प्यार में लड़के ने लड़की और खुद को गोली मारी, ये कहना है लड़की की माँ का, जबकि लड़के पक्ष का कहना है कि उनके बेटे का मर्डर किया गया है। हालांकि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरह से तैश में आकर जीत ने कदम उठाया, उसने दो घरों को बर्बाद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।